This video is for B.Ed. first year students and today I'm going to teach you how to make a practical file. You have to make 4 practical files in total. आपको total 4 practical files बनानी हैं आपकी 4 week की school internship के basis पे. आज मैं आपको बताऊंगी कि इन file के topic क्या क्या होंगे और इनके बारे में ताकि आप successfully अपनी practical file बना पाएँ. जो आपकी पहली प्रैक्टिकल फाइल होगी उसका टॉपिक होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट. द टॉपिक ऑफ योर सेकंड प्रैक्टिकल फाइल विल बी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन. टॉपिक ऑफ थर्ड वन विल बी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड द टॉपिक ऑफ फोर्थ वन विल बी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. हर प्रैक्टिकल फाइल 50 मार्क्स कैरी करेगी इंडिविजुअली. इन 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स होंगे इंटरनल और 35 मार्क्स होंगे एक्सटर्नल. जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल के बेसिस पे आपको इंटरनल एग्जामिनर्स देंगे जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे. जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स कंडक्ट करेंगे जो आपके कॉलेज के बाहर से आएंगे. ये 35 एक्सटर्नल मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के बेसिस पे मिलेंगे. As you can see, each practical file carries 2 credits and there are 3 periods per week. Now I'm going to tell you how to make the first practical file. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पहली practical file कैसे बनाएं जिसका topic होगा reading and reflecting on text. Before I tell you what is to be included in your practical file, before I tell you what is to be written in it, let's go through the objectives. After completion of the course, you will be able to do the following things. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको objectives बताना चाहूँगी. ये वो चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे ये practical file बनाने के बाद. आपकी school internship के बाद आप ये सब चीज़ें सीखेंगे. इनमें से पहली है read and respond to variety of text in different ways, maybe personal, creative or क्रिटिकल. इसका अर्थ है कि आप ये सीखेंगे कि आप कैसे एक टेक्स्ट को पढ़ें और आप उस पर कैसे रिस्पोंड करें. आपका रिस्पॉन्स पर्सनल हो सकता है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किसी भी टेक्स्ट को रिलेट कर सकते हैं. आपका रिएक्शन क्रिएटिव भी हो सकता है, आप किसी क्रिएटिव फॉर्म में भी किसी टेक्स्ट पे रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी पेंटिंग के थ्रू या किसी सॉन्ग के थ्रू. आपका थर्ड रिएक्शन हो सकता है क्रिटिकल. आप क्रिटिकली एनालाइज करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. आप किसी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह. जो दूसरी चीज़ आप सीखेंगे वो है इन्हांस देयर कैपेबिलिटीज एज रीडर्स एंड राइटर्स बाई बिकमिंग पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग. जब आप रीड करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह, आपकी कैपेबिलिटी एज अ रीडर एंड राइटर विल ट्रांसफॉर्म, विल इम्प्रूव. आप एज अ रीडर एक बेटर रीडर बन पाएंगे. जब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा रीडर बन पाएंगे. उसी के साथ साथ आप एक अच्छे राइटर भी बनेंगे क्योंकि आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे. आप सीखेंगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है. जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है to get involved in the reading interactively, individually and in groups. आप सीखेंगे कि interactively आप read कैसे करें. आप individually भी, you can be in a conversation with yourself thinking about the text, or you can interact in groups as well. अगली चीज़ जो आप सीखेंगे वो है become resources for one another. The next one is comprehend and think reflectively on spoken or written text. Read critically and analyze course readings, ideas presented in the class and experience in schools. ये कुछ और चीज़ें हैं जो आप इस कोर्स के बाद सीखेंगे. अगली चीज़ है write with a sense of purpose and for an audience. This is again one of the important things that you're going to learn. You're going to learn how to write. आप ये सीखेंगे कि आपको कैसे लिखना है. जब आप एक टॉपिक पे लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस टॉपिक पे लिख रहे हैं
विच विल मेक योर राइटिंग होलसम. आप अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, आप ये सब चीज़ें सीखेंगे. एंड यू विल लर्न टू राइट फॉर एन ऑडियंस. द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज लर्न टू थिंक टुगेदर एंड डेवलप मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस टू बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस. नाउ आई विल मूव ऑन टू वॉट यू आर सपोज टू इंक्लूड इन योर प्रैक्टिकल फाइल. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर क्या क्या लिखना है. दीज आर टू यूनिट्स दैट यू आर सपोज टू राइट अबाउट इन योर प्रैक्टिकल फाइल. द फर्स्ट यूनिट विच इज़ टाइटल्ड रीडिंग एज अ लैंग्वेज स्किल. आपको इन टॉपिक्स पे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है. आप शुरू करेंगे रीडिंग स्किल्स की डेफिनेशन के साथ. आप बताएंगे कि आप रीडिंग स्किल से क्या समझते हैं, आपने क्या क्या सीखा. इसके बाद आप लिखेंगे ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन पे, रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन. इसके बाद आप लिखेंगे आपने क्या क्या वैरायटी ऑफ टेक्स्ट पढ़ा, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, कॉन्वर्सेशंस, बायोग्राफिकल एट्सेट्रा. आप इन सब पर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे. इसके बाद आप लिखेंगे अटेंटिव क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट पर, फॉलोड बाय आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, कोर्स टेक्स्ट एंड बियॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, वेज ऑफ रीडिंग, प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग. जब आप यूनिट वन के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लेंगे, इसके बाद आप आएंगे यूनिट टू पे, जो है डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स. फर्स्ट वी विल कवर रीडिंग स्किल्स, देन वी विल कम ऑन टू राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल्स में आप लिखेंगे अगेन सब टॉपिक्स पे. द फर्स्ट सब टॉपिक विल बी राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन स्पेसिफिक ऑडियंस. दूसरा होगा आपका क्लासरूम का एक्सपीरियंस ऑन राइटिंग, आपने कैसे एडिटिंग करी, आपने कैसे कोलैबोरेशन करी. इसके बाद आप लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग एरर्स एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाइल यू आर लर्निंग द बाउंड टू बी एरर्स, देयरफॉर देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. मेक श्योर टू राइट अ नोट ऑन दिस एज वेल. द नेक्स्ट थिंग इज एडिटिंग द रिटन टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड राइटिंग कन्वेंशंस. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू राइट ऑन. The last part of this is writing and reflecting on text. Understand the concept of reflective writing and distinguish the features of reflecting writing. This should be reflective writing. Please don't mind the error. Before showing you a file, for example, I'm going to give you a list of suggested readings. These are some books and some essays which you can use for help. ये सब कुछ resources हैं जो आप use कर सकते हैं अपनी practical file बनाने के time. Example के तौर पर अब मैं आपको एक practical file दिखाऊँगी. आपकी practical file का पहला page होगा आपका cover page. Cover page पर आप अपना प्रैक्टिकल फाइल का टॉपिक लिखेंगे, जो होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, या बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे. इसके अलावा आप बाकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे, जैसे आपका नेम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास एट्सेट्रा. आप अपने कवर पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, ये नीट और प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. कवर पेज के बाद जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो है इंडेक्स. इंडेक्स में आप अपने सभी टॉपिक्स मेंशन करेंगे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ये वही टॉपिक्स होंगे जो अभी हमने आपकी कोर्स यूनिट्स में डिस्कस किए हैं. इंडेक्स में आप ये सभी मेंशन करेंगे पेज नंबर के साथ. इफ़ पॉसिबल यू कैन राइट द डेट एज वेल. द नेक्स्ट थिंग विच कम्स आफ्टर इंडेक्स इज़ योर नोट ऑन all these topics that you have mentioned in this index. On the right hand side of your page, you are going to write
and on the left hand side of the page you can paste pictures. Pictures will enhance the beauty of your file and they will provide more information as well. Make sure that you have written in a beautiful handwriting. If not beautiful, it should be legible at least. आपने जो भी लिखा हो वो अच्छे से समझ आना चाहिए. आप गोल और सुंदर अक्षरों में लिखें क्योंकि इसी प्रैक्टिकल फाइल के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे. बिफोर आई मूव ऑन फर्दर आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. दिस वॉज हाउ यू विल मेक योर प्रैक्टिकल फाइल. बट देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डू इवन आफ्टर मेकिंग योर प्रैक्टिकल फाइल. अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के बाद में आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को अपने टीचर के पास लेके जाएं. आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल अपने कॉलेज प्रोफेसर से एक बार चेक करवाएं. उनसे आप पूछें कि अगर आपने कोई गलती करी है, जब आपको अपनी गलती का पता चले आप तुरंत वापस जाके अपनी उस गलती को ठीक करें. जब तक आपकी फ़ाइल बिल्कुल बिल्कुल एरर फ्री नहीं हो जाती तब तक आप ये प्रोसेस करेंगे. इसके बाद में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फ़ाइल सबमिट कीजिए और जब आपका वाइवा का टाइम आए आप बस एक बार रिवाइज़ कीजिए. आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में लिखी हों. वन लास्ट पॉइंट, मेक श्योर दैट यू हैव डेकोरेटेड योर फाइल वेरी वेल. इट शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी ब्यूटिफुल एंड इट शुड बी प्रेजेंटेबल एज वेल. दिस वॉज ऑल. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक द रेस्ट ऑफ द 3 प्रैक्टिकल फाइल्स इन अदर वीडियोज. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट योर कॉलेज टीचर्स.